देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस, मैं शीतल। आई नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खैरलांजी जनपद पंचायत खैरलांजी के सभागृह में जिला पंचायत सीईओ आर उमा महेश्वरी द्वारा ली गई समीक्षा बैठक। खैरलांजी जनपद पंचायत में 7 अप्रैल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट द्वारा शासन की सभी योजनाओं के कार्य की समीक्षा बैठक ली गयी। वही मीडिया कर्मी द्वारा ग्राम पंचायत भजिया दंड में हुए फर्जी सील, ग्राम पंचायत खैरलांजी के सचिव द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर निकाली गई राशि, नवनिर्मित स्वच्छता परिसर के बारे में पूछे गए सवाल पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती महेश्वरी द्वारा कहा गया कि सभी मामले की जांच चल रही है, जैसे ही जांच पूर्ण होती है और जाँच में जो दोषी पाया जाता है उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। एमपीसीजी 24 न्यूज़ के लिए खैरलांजी से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। मैडम एक भजियाडांड पंचायत का मामला था, फर्जी सील का, फर्जी सील वाला। 26 फरवरी से मामला लंबित है मैडम, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें जांच प्रचलित है, तो जांच मैडम वहाँ पर टीआई साहब द्वारा आज तक उस जो 22 ताले के विरुद्ध में आज तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैडम? प्रशासन क्यों मजबूर है उस पर कार्रवाई करने के लिए? जी मैम, मान लो उसके उसके सी साइंस से कुछ हितग्राहियों को लाभ भी दिया गया, क्या पैसे वापस होंगे मैडम? खैरलांजी ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा अपने पत्नी के नाम से राशि आहरित की गई मैडम, और यह मामला अभी जांच अधीन है, तो क्या कहना चाहिए? एक मामला है मैडम, यहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय बना है तो 2 माह से बन के तैयार हैं, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ।